सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पद संभालने के बाद शायद पहली बार अफ्रीका का खुलकर जिक्र किया है, लेकिन यह अफ्रीकी लोगों के लिए हैरान करने वाला था क्योंकि उन्होंने ट्रंप से किसी आपत्तिजनक टिप्पणी की उम्मीद नहीं की थी। ट्रंप ने गुरुवार को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सवाल किया था कि अमेरिका नॉर्वे जैसे देशों की बजाय हैती और अफ्रीका जैसे देशों के प्रवासियों को स्वीकार क्यों करेगा। अफ्रीकी संघ ने कहा है कि वह ट्रंप की टिप्पणी से हैरान है। अफ्रीकी संघ की प्रवक्ता एबा कालोंडो ने कहा कि यह हमारे लिए हैरान करने वाला रहा, क्योंकि अमेरिका इस बात का वैश्विक उदाहरण रहा है कि प्रवासी लोग कैसे विविधता और अवसर के मौजूद मूल्यों पर आधारित एक देश बनाते हैं। ट्रंप की इस टिप्पणी से अफ्रीका के देशों के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई। इन देशों को अमेरिका से बड़ी वित्तीय मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के फिजिशियन ने उनके स्वास्थ्य की जांच की और बताया कि राष्ट्रपति की सेहत पूरी तरह से ठीक है। ट्रंप के स्वास्थ्य की जांच वॉल्टर रीड नेशनल मिलिट्री मेडिकल सेंटर में कई घंटों तक चली। अमेरिका के हर राष्ट्रपति की नियमित सालाना स्वास्थ्य जाँच होती है और इसकी व्यापक चर्चा होती है। ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर भी मीडिया में चर्चा हुई। उनके राजनीतिक विरोधी अक्सर उनकी मानसिक सेहत को लेकर सवाल उठाते हैं। 71 वर्षीय ट्रंप अपने स्वास्थ्य संबंधी सवालों को खारिज कर देते हैं। अंकुर, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।